चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना आसान नहीं था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चाहती थी कि किसी अनुभवी और परिपक्व नेता को जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी आलाकमान ने विधायक दल की बैठक में तीन नामों पर चर्चा की, तीनों इसमें फिट भी थे, लेकिन महंत को ही जिम्मेदारी आखिरकार क्यों दी गई? आइए जानते हैं, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देना आसान नहीं था। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चाहती थी कि किसी अनुभवी और परिपक्व नेता को जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी आलाकमान ने विधायक दल की बैठक में तीन नामों पर चर्चा की, तीनों इसमें फिट भी थे, लेकिन महंत को ही जिम्मेदारी क्यों दी गई? आइए समझते हैं। दरअसल पूरे घटनाक्रम ने पिछली विधानसभा 2018 चुनाव की याद दिला दी। कांग्रेस को जब चुनाव में बंपर जीत मिली थी तो मुख्यमंत्री की रेस में चार नाम आगे थे। जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का नाम भी शामिल था। सीएम बनने की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही थी। इधर मीडिया में चारों नेताओं को लेकर कयासों का दौर तेज था। समय बीतते गया और स्थितियां भी धीरे धीरे साफ होने लगी। बाद में भूपेश बघेल और सिंहदेव ही सीएम की रेस में थे, जिसमें भूपेश बघेल के नाम पर मुहर लगी। इसी साल भी कुछ इसी तरह के घटनाक्रम के बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए चरणदास महंत के नाम पर मुहर लगी है। पहले तो मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी को बधाई दूंगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हमारे चुने गए, कांग्रेस विधायक दल के नेता बने हैं और उनका विधानसभा और लोकसभा में बहुत लंबा अनुभव रहा है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी, मध्य प्रदेश में भी मंत्री के रूप में उनका बहुत सुदीर्घ अनुभव है। उसका लाभ हम लोगों को निश्चित रूप में मिलेगा और विपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उसको आम जनता तक ले जाएंगे। आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने नामांकन भरा और जिसमें सत्ता पक्ष से भी प्रस्तावक का समर्थक रहे और विपक्ष में डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे, जैसे कि परंपरा है सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह को भी बधाई और डॉक्टर चरणदास जी को भी बधाई साथ दिया है। और डॉक्टर रमन सिंह जी जब अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके बाद से ही प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से लोग आते ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लगता है हमारी चुनौती कुछ कम हो जाएगी। देखिए, इनके सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है, नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर करें तो यह भी काफी दिलचस्प था। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था कि इस चुनाव में उन्हें हार मिलेगी। पार्टी 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन प्रदेश की जनता को कुछ और ही मंजूर था। जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में 68 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, इस बार वह महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस को सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन प्रदेश के मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी होता है और कांग्रेस इसी की तैयारी में जुट गई है। 13 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेश बघेल, उमेश पटेल और चरणदास महंत के नाम सामने आए। भूपेश बघेल ने तो पहले ही इस पद के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उमेश पटेल और महंत के नाम पर चर्चा होने लगी। चूंकि चरणदास महंत को पहले से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सदन चलाने का अनुभव है, जिस तरह सदन चलाने में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही सत्ता पक्ष को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी काफी अहम मानी जाती है। वहीं महंत के नाम का समर्थन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने किया। वे चाहती थीं कि सदन में कांग्रेस की कमान अनुभवी और परिपक्व नेता के हाथों सौंपी जाए, जिसके चलते पार्टी के हाईकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी।
महंत अब सदन में सभी कांग्रेसी विधायकों को लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।